हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मेघा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं रवा इडली की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी डिश होती है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। पर इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं रवा इडली बनाने की रेसिपी। रवा इडली बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल सूजी। मैंने यहाँ पर मोटी वाली सूजी का यूज़ किया है जो स्पेशली इडली बनाने के लिए आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 बाउल दही। मैं यहाँ पर जो दही यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, तो आप भी कम खट्टा दही यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास जो दही है वो खट्टा है तो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 चम्मच मटर। मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर लिए हैं, 2 चम्मच बारीक कटी हुई गाजर, 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च कैप्सिकम, 2 चम्मच बारीक कटी हुई बीन्स, बारीक कटा हुआ धनिया, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई वेजिटेबल जो कम पसंद है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर ज़्यादा वेजिटेबल ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इनकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें बैटर को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मोटी वाली सूजी यूज़ की है। अगर आपके पास मोटी सूजी नहीं है तो आप नॉर्मल सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर मेजरमेंट के लिए सिर्फ 1 ही बाउल का यूज़ किया है। तो कोशिश करें कि आप भी एक ही किसी बाउल का यूज़ करें मेजरमेंट के लिए। तो हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर यहाँ पर रखना है। इसके बाद अब हम इसे लगभग 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर ले और फूल जाए। तो अब हम बनाते हैं इडली के लिए चटनी। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में ऑयल गरम किया है, उसमें ऐड किए हैं 2 तेज़पत्ते, 1 खड़ी लाल मिर्च, और इन्हें अच्छे से सौटे कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ। इन्हें थोड़ा ऑयल में फ्राई होने देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 तेज़पत्ते यूज़ किए हैं क्योंकि मेरे पास जो तेज़पत्ते हैं वो छोटे हैं। अगर आपके पास बड़ा तेज़पत्ता है तो आप एक ही यूज़ कीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ प्याज। यहाँ पर मैंने 1 प्याज लिया है जिसे मैंने रफली काट लिया है। यहाँ पर हम प्याज को सॉफ्ट होने देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं कैप्सिकम। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की कैप्सिकम को रफली काट लिया है। प्याज, कैप्सिकम और सभी चीज़ों को अच्छे से ऑयल में फ्राई होने देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन्हें भी मैंने रफली काट लिया है। मैंने यहाँ पर प्याज को, कैप्सिकम को, हरी मिर्च को, सभी चीज़ों को बारीक नहीं काटा है, रफली काट लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे तकरीबन 4 मिनट के लिए ढककर पका लूँगी ताकि सारी सब्जियाँ अच्छे से पक जाएं। इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 चम्मच तिल, सेसमे सीड्स,
दो चम्मच ग्रेट किया हुआ कोकोनट पाउडर, यहाँ पर हम इन्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि हमारा पैन ऑलरेडी गर्म है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और एक चटनी जार में निकाल लेंगे। और चटनी जार में हमें ऐड करने हैं भुने हुए मूंगफली के दाने। मैं यहाँ पर मूंगफली के दाने ऐड करना भूल गई थी, तो मैं इसीलिए बाद में ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच मूंगफली के दाने पहले से भून के रख लिए थे। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम लगाते हैं चटनी के लिए तड़का। तो इसके लिए मैंने एक तड़का पैन लिया है, उसमें ऑयल को गर्म किया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच राई, 1 खड़ी लाल मिर्च, 4 से 5 कड़ी पत्ते, थोड़ी सी हींग और इसे चटनी पर डाल दूंगी। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी इडली के लिए चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं इडली की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सूजी जो है वो फूल चुकी है और पहले से ज़्यादा उसका बैटर टाइट हो चुका है। सूजी ने पानी को सॉक कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे इडली के लिए तड़का। तो हम यहाँ पर लेंगे एक तड़का पैन, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद अब हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 4 से 5 कटे हुए कड़ी पत्ते। और इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 7 से 8 काजू और नारियल, जिसे मैंने लंबे पीसेस में काट लिया है। इन्हें 2 मिनट फ्राई होने देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर काजू का और नारियल का लाइट ब्राउन कलर चाहिए, तो हमें इन्हें 2 मिनट फ्राई करना है। इसके बाद अब हम इस तड़के को इडली बैटर में ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने तड़के को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं नमक स्वाद के अनुसार। एक चम्मच इनो। फ्रेंड्स, आप इनो को तब ही ऐड करें जब आप इडली बनाने वाले हों। पहले से ऐड कर देंगे तो इनो मिलाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके बाद अब हम यहाँ पे ले रहे हैं इडली ट्रे। इडली ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर देंगे। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे इडली का बैटर। अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे इडली मेकर में, जिसमें मैंने पहले से पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया था क्योंकि पानी जो है वो बॉईल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक एक करके सारी इडली ट्रे को इसमें ट्रांसफर कर दूंगी और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर पका लूंगी। यहाँ पर हमें इसकी फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पर हम इसको नहीं बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इडलियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि इडलियाँ जो है वो बहुत ही अच्छी बनी है। मैं आपको एक इडली निकाल कर भी दिखाती हूँ। हमें यहाँ पर पहले इडली प्लेट्स को ठंडा होने देना है, उसके बाद हम तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरे द्वारा बनाई हुई रवा इडली की रेसिपी और स्पेशली चटनी की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप मेरी और भी वीडियोस देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक,
share and subscribe.